जब 10-11 साल का उम्र 12 साल की उम्र सी तो मैं अजूब साहब गया से मनमाड़ गुरुद्वारे संत बाबा सीसा सिंह सानू मिले सी असी उन्होंने पैरी हाथ लाए उन्होंने मैं डांग मारी तो मैं उन्होंने कुछ नहीं किया मैं चुप करके चला गया। रात में जब मेरी ड्यूटी लगी सेवा दी तो उन्होंने मैंने बुलाया कहते पुत्र इधर आ मैं क्या हाँ जी कहते तू इतने का नहीं लगता मैं क्या जी मैं लुधियाने तो आया तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हाँ मैं समझ नहीं आ रही। मैं अपने पापा को पूछा सी कि जब चार बंदे कंधे पर रख के लेके जाते हैं मरे हो जाते और कहते हैं कि राम नाम सत्य है ये मरे न क्यों समझाते जिंदा क्यों नहीं समझाते तो कहते बेटा नहीं रिवाज है जब बंदा मर जाता तो समझाते हैं। मैं क्या रिवाज गलत है जे समझाना है तो जिंदे को समझाओ कि राम नाम सत्य है परमात्मा का नाम सत्य सी है और रहेगा। फिर उन्होंने मैंने क्या कहते मैं तुम्हें डांग मारी तू मैंने कुछ किया क्यों नहीं मैं क्या जी कीता तुम चंगे वास्ते मारी हो कहते बेटा मैं रब नहीं हाँ गुरु ग्रंथ साहब जी का मत्था टेक। फिर मैं उन्होंने कहा कि मैं ऐसा गुरु मंत्र दो कि मैं दौलत को अपने पैरों च रख सकता तो ये दौलत को रब मानते हैं। तो मैं उन्होंने फिर मैंने जाप कराना सिखाया वो जाप करा के जब वो कहते तुम्हारा शरीर तो पत्थर का बन जाएगा तो ऐसी सेवा जो करी हो जी अब तक किसी ने ना की हो तो एक ऑटो है जो मैं 5 साल का फ्री चला रहा और किसी भी बंदे को मैं कोई रुपया नहीं लिया। जात पात असी नहीं पानी ये तो कोई हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये साड़ी है मां। अगर ये मां साड़ी ना होवे ते चार मुंडे पैदा ही नहीं होंगे जे पैदा नहीं होंगे तो हिंदू मुसलमान के तुकना मांगे ये बच्चे ना हिंदू ने ना मुसलमान ने ना सिख ने ना ईसाई ने असी ते गणेश भगवान मां दे ढिड्डू जम्मे नहीं गए इस करके उन्हों का सब तो पहला उच्चारण करना सारे अनिवार्य है भावें वह सिख ने भावें वह मुसलमान ने भावें वह हिंदू ने भावें वह क्रिश्चन ने भावें वह माता को मनने वाले ने कोई भी नहीं। तुसी देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी मैं हाँ संदीप शर्मा। अक्सर ही कुछ लोग आटो वाले नू कुछ माड़ी शब्दाली का यूज करते हैं क्योंकि कई तरह के आटो वाले जो होंगे है वह सवारियों लैके विचकारी सड़कों के उपर अपना आटो खड़ा करके दूसरे टू व्हीलर होंगे या होर नवी गड्डियों अपने उन्हों की टक्कर हो जाती है जिस नाल गाली गलोच तक नौबत आ जाती है तो हमेशा आम जी लोग है वो आटो वाले थोड़ी माड़ी शब्दाली का भी यूज प्रयोग करते हैं। लेकिन तुहानू अज असी लुधियाना के एक उस शख्स नाल मिलान जा रहे हैं एक उस शख्स नाल मिलान जा रहे हैं जेड़ा लोकां दे भले वास्ते फ्री आटो चलांदा है और ये वो शख्स है नाम है अमृतपाल सिंह लुधियाना वाले जो कि 2018 तो लैके हुण तक जिहड़ी लोकां दी फ्री सेवा यानी कि लोकां नूं पिंड मेहरबान तो लैके फिरोजपुर चुंगी तक फ्री सेवा ले आंदे यानी कि जिहड़ियां सवारियां हुंदियां वो इतों फ्री लेते हैं। अगर कोई सवारी पैसा नहीं दिता तभी मतलब अगर कोई पैसा दिता तो अंदर एक गोलक लगी है और पैसे उन्होंने पा देंगे लेकिन कोशिश करते भी वो ये अमृतपाल सिंह जी भी उन्होंने पैसे नहीं लैन क्योंकि वो कहते एक मानवता की सेवा है वो जी मैं सेवा करता मैनू अपने पिता जी ने मिले तो आओ तुम मिलान जा रहे हैं उस शख्स ना रब का बंदा भी कह जाता उन्होंने तो आओ तुम मिलान जा रहे हैं अमृतपाल सिंह जी का। सत श्रीकाल सब तो पहला स्वागत है जी दैनिक सवेरा टीवी। मैं सारे नूं पहला वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह हिंदू वीर ने उन्होंने राम राम जी और जिन्हें साढ़े मुसलमान वीर ने उन्होंने अस्सलाम वालेकुम। मैं सारे नूं हाथ जोड़ के बेनती करांगा पहला तो कि जिन्हें भी साढ़े दुनिया च बंदे रह रहे हैं सारे नूं रोटी जानवरों नूं खवानी चाहिए है रब दे नाम ते पैसे देने बंद करने चाहिए है। रब किसी का मोहताज नहीं है रब पूरी दुनिया नू दे रहा अमेरिका का राष्ट्रपति है या अपने इंडिया का राष्ट्रपति है सब परमात्मा को भीख मंगते हैं तो हाथ जोड़ के बेनती है कि रब दे नाम ते पैसे देने सारे बंद करो। ये सेवा तुसी कीती है फ्री आटो की
किस तरह मतलब कि कदों तो शुरू की है, कितों तुम्हें प्रेरणा मिली है? ये मैं जब 10-11 साल का उम्र 12 साल की उम्र सीगा तो मैं हजूर साहब गया सी मनमाड़ गुरुद्वारे साडे संत बाबा सीसा सिंह सानू मिले सी असी उन्होंने पैरी हाथ लाए उन्होंने मैं डांग मारी तो मैं उन्होंने कुछ नहीं किया मैं चुप करके चला गया। रात को जब मेरी ड्यूटी लगी सेवा दी तो उन्होंने मैं बुलाया कहते पुत्र इधर आ मैं क्या हाँ जी कहते तू इत्थे तां नहीं लगता मैं क्या जी मैं लुधियाने तो आया तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हाँ मैं समझ नहीं आ रही। मैं अपने पापा नूं पुछया सी कि जब चार बंदे कंधे ते रख के लेके जांदे आ मरे हुए बंदे नूं और कहिंदे ने कि राम नाम सत है ये मरे नूं क्यों समझांदे जिंदा जिंदा नूं क्यों नहीं समझांदे तो कहिंदे बेटा नहीं ये रिवाज है जब बंदा मर जांदा तां समझांदे आ। मैं कहा ये रिवाज गलत है जे समझाना है तो जिंदे नूं समझाओ कि राम नाम सत है परमात्मा का नाम सत सी है और रहेगा। फिर उन्होंने मैंने क्या कहें मैं तुम्हें डांग मारी तू मैं कुछ किया क्यों नहीं मैं कहा जी की पता तुम चंगे वास्ते मारी हो कहते बेटा मैं रब नहीं हाँ गुरु ग्रंथ साहब के उदा के मत्था टेक। फिर मैं उन्होंने कहा कि मैं ऐसा गुरु मंत्र दो कि मैं दौलत को अपने पैरों च रख सकता तो ये दौलत को रब मानते हैं तो मैं उन्होंने फिर मैं जाप कराना सिखाया वो जाप करा के जब वो कहते तुहाड़ा शरीर जब पत्थर का बन जाएगा तो ऐसी सेवा जो करियो जी अब तक किसी ने ना की हो। तो एक ऑटो है जो मैं 5 साल का फ्री चला रहा और किसी भी बंदे को मैं कोई रुपया नहीं लिया एक भी रुपया नहीं लिया। ऑटो फ्री चलाने सवारियाँ पिंड मेहरबान तो लैके फिरोजपुर चुंगी तक फ्री सेवा करते हो किसी हों तुम सवारी पैसे भी दी हो किसी नहीं जी मैं लेंदा ही नहीं पैसे। अच्छा मैं उन्होंने कहना अगर देना है तो ऑनलाइन दान दो ताकि सरकार को पता लग सके कि बंदे ने सू कि दान दिता तो ऑनलाइन दान देने वाला कोई बंदा नहीं है जी जिहड़ा ऑनलाइन दान दे सके। कितना खर्चा तुम किस तरह करते हो भी इतों गाड़ी आटो है यदि मेनटेनेंस भी तुम मुरम्मत भी होंगी है सर्विस भी होंगी है इस पेट्रोल डीजल भी पैदा होगा तो किस तरह कि शरीर नाल जी ये शरीर सानू पैसा कमा के दिता है असी 3 बोरियाँ ढोने 3 रुपये बोरी मिलती है सानू असी दिव्यांश इंटरप्राइज गुरदेव नगर से है उन्होंने कोल काम करीदा होर किसी कोल काम नहीं करीदा एको बंदा रख्या होया उन्हां दा सारा सप्लाई का काम है पोल्ट्री फीड का तो उन्हों की सारी पोल्ट्री फीडा की सप्लाई करी दी दवाइया की तो उतो पैसे कमा के लोगों की सेवा करी दी है। मतलब कि जो पैसे तुम मिलते हैं जनता चला हाँ जन घर बच्चे फैमिली कौन कौन है बच्चे जी एक अपना 9 साल की बेटी है जी तो एक बेटा है वो वाइफ है बस और कोई नहीं। पत्नी जी पत्नी देहांत हो गया जी 5 साल हो गए देहांत हो लग रहा भी बच्ची ढी छोटी है फिर परिवार का अज के दौर के जो घट घट भी देखो छोटा ही फैमिली हो 20-25 खर्चा होंगे तो तुम कि मैनेज करते हो भी जी साढ़े ना फालतू के खर्चे नहीं है ना अभी शराब पीनी है ना अभी मुर्गे खाने हैं ना अभी न्यूडल बर्गर मंचूरियन और पिज्जा है कुछ नहीं खाना अभी सिर्फ दाल रोटी खानी है क्योंकि इस धरती से अभी सिमरन कर आए हैं कुछ खान नहीं आए। क्या मतलब अगर गुरु महाराज जी कहते हैं वैसे भी ग्रंथ साहब लिखे भी अगर तुम सादी सिंपल रोटी खाओगे तो घर का खर्चा नहीं होगा सादियाँ विह कराएंगे तो घर के खर्चे नहीं होंगे ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं पेगा साड़ी बेटी नाल विह वह बंदा कराएगा जिहड़ा सानू जा पिछा रहेगा असी स्वयंवर रचेंगे अपनी बेटी का जिदा पहला जमाने स्वयंवर रचा जाता सी जो बंदा मनु जा पिछा रहेगा वह मेरी बेटी नाल विह करेगा। बेटी की उम्र इस टाइम कितनी है? इस टाइम 9 साल की है। 9 साल की बेटी है पढ़ती है? हाँ जी पढ़ती है जी। स्कूल का खर्चा भी होंदा होगा? नहीं सरकारी स्कूल पढ़ती है जी सरकार दे कोल असी पढ़ावांगे अपने बच्चे नू क्योंकि सरकार जो है ना वो साढ़े बच्चों को परवरिश करेगी असी देश की परवरिश करेंगे सरकार साढ़े तो बच्चों की परवरिश करेगी। जिदा फ्री स्कूल इस टाइम कर दिता है फ्री स्कूल की दसा लग रहा भी फ्री स्कूल का तुम किताबा फ्री है दाखले फ्री है पंजाब का बहुत बड़ा उपराला पिछे किया है। नहीं पंजाब सरकार का असं धन्यवाद कर देंगे जी जिन्होंने बिजली भी फ्री दी है तो पढ़ाई भी अच्छी करा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले जोड़े आ वो लुटते हैं जी इसे करके महंगाई बढ़ रही है। मैं सारों हाथ जोड़ के बेनती कराँगा कि अपने बच्चों सरकारी स्कूलों पढ़ाओ और सरकारी स्कूलों में थोड़ा थोड़ा दान दो आप दा दान दो मतलब पैसे दा दान नहीं देना सरकारी स्कूल से आप पैसे इकट्ठे करके उत्थे बच्चों वास्ते चीज़ा बनाओ ताकि बच्चे भी खुशहाल रह सकन तो असीं भी खुशहाल रह सकिए। 5 साल की गल की 5 साल तो मैं ऑटो फ्री चला रहे हैं कोई इदा का शख्स इदा का सज्जन पुरश मिले जिन्हें तुम्हें कहा जी मैं दान पुन मैं सेवा किसी ने दान नहीं किया जी पहला मैं रिक्शा चलाता सीगा तो मैं किसी नजर नहीं आया श्री बाला जी टाइल स्टूडियो वाले है संधू टावर के कोल उन्हों की दुकान हैगी
मनोज शर्मा जी नाम है उन्हों का, उन्होंने कार लंघते पे थी तो मैं कहें केंद्र उरे आओ। मैं हाँ जी, केंद्र तू सिंह हो गए रिक्शा चला रहे हैं। मैं क्या जी पैसे नहीं है की करिए। फिर उन्होंने कहा कहते तुम साढ़े शोरूम आओ, तो शोरूम से उन्होंने 50,000 रुपये सानू दस्ती दिता सी, दस्ती उधारा दिता। तो वो असी ये गड्डी पाई, तो मैं प्रण किया कि जिस दिन गड्डी क्लीयर हो जाएगी, किस्तें यदि क्लीयर हो जाएंगी, मैं गड्डी फ्री सेवा चला दाँगा। जब तक मैं जिंदा हाँ जी, दो काम मेरे हमेशा रहेंगे, एक बच्चों सिमरन कराना, एक गड्डी फ्री चलाना। की संदेश आज के नौजवानों वास्ते या उन लोगों वास्ते भी कुछ समय वास्ते भी जी अज की भज दौड़ वाली जिंदगी फसे है, मोबाइलों फसे हुए, सोशल मीडिया फसे हुए, इस सेवा नहीं कर पाते, की कहना चाहते हो? मैं सारे हाथ जोड़ के पहला तो बेनती करा कि अपने घर बह के जाप करो। परमात्मा किसी मंदिर गुरुद्वारे च नहीं है, मंदिर गुरुद्वारे जिस टाइम प्रधान ने कोई परमात्मा नहीं है उत्थे। परमात्मा अगर तुम देखना चाहते हो तो उस सूरत दे विच हैगा परमात्मा, असी देख लें, साड़ी अख नहीं झपकती। जिहड़ा बेईमान बंदा हुंदा वह कदे नहीं देख सकता उस सूरज नूं। ते मैं सारिआं नूं जिन्नी भी साड़ी नवीं पीढ़ी है, मैं सारिआं नूं हाथ जोड़ के बेनती करांगा कि 10 मिनट का परमात्मा वास्ते सिमरन जरूर कढ़ो। 10 मिनट का अगर तुम सिमरन कढ़ोगे तो परमात्मा तुहाडे उप्पर खुश होएगा। कोई करोना कोई बीमारी साढ़े लागे नहीं लगेगी अगर असी परमात्मा का बाँ फड़ांगे। तो सुनिया तुसी घर दे विच जाप भी करदे हो? हाँ जी, बच्चों जाप कराने जी संडे वाले दिन। संडे वाले दिन मैं घर ही होना जी, राहों रोड से, जिहड़ा बंदा मिलना चाहे मैं मिल सकता आके। ये सन लुधियाणा के अमृतपाल सिंह, घर के कुछ हिंदू रिलीजन का एक जाप भी कराते हैं। आओ इन्हां दे घर चलते हैं, तो जिहड़े जाप कराते हैं किन्हां कराते हैं आओ तुहानूं उह तस्वीर दिखाने हैं। और एक मैसेज आ उन्हां लोकां वास्ते जिहड़े अज भी कुछ नेक काम करन तो थोड़ा जिहा अपने आप नूं पिछे रखते हैं, लेकिन रब दे इस बंदे ने वो काम किया होया जिहड़ा कि अज दे दौर विच जिहड़ा नौजवान नहीं कर पाता। सो सिख लैनी चाहिए इस बंदे तो, जिसने पूरा अपना जिहड़ा समा हैगा वो मानवता की सेवा दे विच लाया होया। लुधियाणा दे पिंड मेहरबान तो लैके फिरोजपुर रोड दे चुंगी तक ये जिहड़ी सवारियां हुंदियां उन्हां नूं बिल्कुल फ्री लियांदे आ। और कहिंदे अगर पैसा कोई दान, फिलहाल दान भी लैंदे नहीं है, अगर कोई दान दे जांदा ऑनलाइन, लेकिन वह भी कोई दिंदा नहीं है। और घर दे विच बच्चों नूं जिहड़ा सिमरन कराउंदे आ उस बारे भी आपां देखदे आ। आओ तुहानूं घर दीआं तस्वीरां दिखाने आ, ते घर दे तुहानूं हालात भी दिखावांगे, और घर दे तुहानूं जिहड़े सिमरन बच्चे कराउंदे आ उस एक सिख होण दे नाते एक दूसरे धर्म दा जिहड़ी जाप कराउंदे आ, आओ तुहानूं इस बंदे ना रूप लगाने। जिस तरह दस्या सी अमृतपाल सिंह जी जिहड़े घर दे विच बच्चों जाप भी कराते से, आओ तुहानूं तस्वीर दिखा रहे हैं जिहड़ा जाप अंदर कर रहे हैं। आओ तुहानूं सुना रहे हैं अंदर जिहड़ा जाप हो रहा है। ये वो तस्वीर जिहड़े अमृतपाल सिंह जी बच्चों जिहड़ा जाप करवा रहे हैगे आ, और हिंदू रिलीजन दे जाप हैगे आ। ये वो जाप करवा रहे, इस दे नाल ही वाहेगुरु जी का भी आ मूल मंत्र का भी जाप कराते बच्चों, ताकि ये जड़े नवी पनीरी जी पीढ़ी छोटी हैगी बच्चे, ये बच्चे कल वड्डे होके एक अच्छी संगत का सरोकार करन, उस विच उच्चारण करन और प्रभु का सिमरन करन, चाहे वह किसी धर्म का भी संबंध रखता होवे, लेकिन प्रभु नाल जुड़न लई इस सिख नौजवान जिहड़े अमृतपाल सिंह जी हैगे लुधियाणा दे, इन्होंने एक अपना फर्ज समझिया और निभा रहे ते गलबात करदे दुबारा इन्हां को। अमृतपाल जी, कदी कई तुसी बच्चों करा रहे हो जिहड़ा नाम जप जाप, इस करके करा रहे हैं जी कि इन्हां नूं पता लगे कि परमात्मा वड्डा है जी, इंसान वड्डा नहीं है, ना दौलत वड्डी है। तो अगर इन्हां नूं असीं सिखा देवांगे, क्योंकि बच्चा जिहड़ा हुंदा उह कोरा कागज़ हुंदा जी, एक बारी अगर वह पढ़ गया जो तुसी पढ़ा दिता उन्हों उन्हें उही पढ़ना है। जे तुसी सिखा दिता कि दौलत रब है, तो उन्हें यही कहना कि दौलत रब है, मेरे माता पिता भी रब नहीं ने, और अज की डेट उही कुछ हो रहा है। लग रहा जिदा पुराना पहले जमाने से बच्चों हमेशा चाहे स्कूल च हो वैसे जो अपने आंढ़ गुआंढ होंगे तो उन्होंने धर्म की सिक्ख्या पहले दी जाती किसी भी धर्म रिलेटिड हो। हाँ जी, हूँ नहीं देखो ये जात पात असी नहीं पानी, ये देखो हिंदू है मुस्लिम है सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये साड़ी है माँ।
अगर ये माँ साड़ी ना होवे ते चार मुंडे पैदा ही नहीं होंगे, जे पैदा नहीं होंगे तो हिंदू मुसलमान के थू बनावेंगे, ये बच्चे ना हिंदू ने ना मुसलमान ने ना सिख ने ना ईसाई ने, असी तो गणेश भगवान माँ के ढिडू जमे नहीं गए, इस करके उन्हों का सब तो पहला उच्चारण करना सारू अनिवार्य है, भावें वह सिख ने, भावें वह मुसलमान ने, भावें वह हिंदू ने, भावें वह क्रिश्चन ने, भावें वह माता मनने वाले ने, कोई भी ने, सब तो पहला गणेश भगवान का जाप होना चाहिए कोई भी शुभ काम करना हो। गल की है भी गणेश हिंदू धर्म की गल की जा रही थी, सिख धर्म में बिलोंग करते हो, कभी तुम किसी होे धर्म के बंद ना कोई इदा के बुद्धिजीवी तुम कभी संपर्क किया तुम इस बार कभी टोकया तो नहीं? कभी नहीं जी, सानू नहीं टोकया। वो कहें जी तुम जो मर्जी करो, मैं जी मैं तुम जो मर्जी कर रहे हो असं तुम्हें टोकते नहीं, असं जो मर्जी करिए सू ना टोको, क्योंकि मैं तो एक मानव हाँ, ना मैं हिंदू हाँ, ना मैं मुसलमान हाँ, ना मैं सिख हाँ, ना मैं ईसाई हाँ, मैं तो एक मानव हाँ, मनु माँ ने जमया, मैं अल्लाह की अजान भी दे देना। बच्चे तुम ना बोलो बेटा, हाँ देखो अल्लाह अकबर। ये जब भी मैं अजान दे रहा जी, तो मैं एक बार छोटा होंदा ब्यास बाबा जी तो भी गया सीगा, तो जे हुक्म करो तो सारी संगत को भी अपन दस दीए। उत्थे मैं जा एक वाक सुनिया सी जो फरीद साहब का सी, वो ब्यास बाबा जी ने कहा सी, वड्डे बाबा जी ने, कागा खाले मास मेरा, कागा खाले मास मेरा, छड़ दे दो अखियां, गुरु दे दीदार ले मैं साम साम रखी। तो परमात्मा दे अगे मैं सारे जानवरों के अगे अरदास करांगा कि मेरे शरीर का एक ही कण खा लियो, क्योंकि मेरा शरीर पानी च जाएगा, मेरे शरीर में कोई अग नहीं लाएगा, मैं जिथे भी मरा मेरे शरीर में पानी च पाया जाए, ताकि मच्छियां जड़ियां वो मेरे शरीर में खान। और ओम नमः शिवाय का जाप, अल्लाह का जाप, वाहगुरु का जाप, गणेश भगवान का जाप, वह मच्छियों के ढिड च जाए, वह मच्छियाँ इंसान खावन, तो जाप करना शुरू कर। जिंदा नहीं घर तो घर मेरे मरण तो बाद करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। सो ये सन लुधियाना के पिंड मेहरबान के सिख नौजवान अमृतपाल सिंह, जेडे कि पिंड मेहरबान तो लैके फिरोजपुर रोड चुंगी तक जरा जड़िया सवारियां होंदियां उन्हां नूं फ्री सेवा दिंदे, इस दे नाल ही घर दे विच सब धर्म की प्रार्थना करदे आ, वो बच्चों उस धर्म नाल जोड़दे आ, तां कि वो बच्चे जिहड़ी अज दी जिहड़ी नवीं पीढ़ी हैगी आ वो कल अच्छी संगत इख्तियार करे, ते उहदा रब जिहड़ा परमात्मा दा जिहड़ा जाप है उहना उहदा सिमरन करन, ते एक अच्छी संगत विच पैन। सो एक जज्बा इस सिख नौजवान दा जिहड़ा उन्हां नौजवानां नूं एक प्रेरणा स्रोत भी है, जिहड़े हजे भी जिहड़ी नशे दी दलदल विच तसदे जा रहे हैं, तो कितें ना कितें उन्हां नौजवानां नूं इस अमृतपाल सिंह तो कुछ ना कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए है। कैमरामैन सनी मोहता, संदीप शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, पिंड मेहरबान, लुधियाना।